2019 लोकसभा चुनाव के सातवें यानी आखिरी चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कुल 7 राज्यों में आज 29 सीटों के लिए मतदान हुए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके थे, लेकिन कई जगह ईवीएम मशीन में खराबी के कारण मतदान देरी से शुरू हुआ। वैसे तो ज़्यादातर जगहों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन कई जगह ऐसी भी रही जहाँ हिंसा भड़की। पश्चिम बंगाल में जहां एक और भाजपा अध्यक्ष की कार पर हमला हुआ, वहीं पंजाब में हिंसक घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। तलवंडी साबो में कांग्रेस और शियत कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के बाद बवाल मच गया। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी मारपीट का मामला सामने आया। इसके अलावा कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर लोगों ने विकट स्थितियों में भी मतदान देकर मिसाल पेश की। वोटिंग के लिए जनता इतनी जागरूक थी कि कोई ऑक्सीजन मास्क पहनकर सीधे अस्पताल से वोट देने आया, तो कोई पिता अपनी बेटी की विदाई से पहले उसे लेकर मतदान करने आए। 18 वर्ष से 104 वर्ष तक सभी उम्र के लोगों में इस मतदान के लिए उत्साह नजर आया। मतदान के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मतदान देने में पश्चिम बंगाल 73.5% से नंबर 1 पर रहा। वहीं झारखंड 70.5% से दूसरे नंबर पर रहा और मध्य प्रदेश 69.4% से तीसरे नंबर पर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में 54.3% वोट पड़े, पंजाब में 58.8% वोट पड़े, बिहार में 49.6% वोट पड़े और हिमाचल में 66.1% वोट डले। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो देवास सबसे ज़्यादा मतदानों के साथ नंबर 1 पर रहा। इसका आंकड़ा है 63.8%। वहीं इंदौर में मध्य प्रदेश से सबसे कम वोट पड़े, इसका आंकड़ा है 54.5%। दूसरे ज़िलों की अगर बात करें तो उज्जैन में 58% वोट पड़े, मंदसौर में 62.5% वोट पड़े, रतलाम और खरगोन में लगभग 60% वोट डले और धार और खंडवा में 59% वोट डले। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान पूर्ण हुए। अब सभी की निगाह 23 तारीख पर टिकी है, जब होगा इस चुनाव का फैसला। रिपोर्ट अखबार जगत। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अखबार जगत।